गाइज, अगर आपको अपना आधार नंबर याद नहीं है तो गाइज आप घर बैठकर ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से अपना आधार नंबर चेक कर सकते हैं कि हमारा आधार नंबर क्या है। ठीक, बहुत सिंपल है। बस गाइज आपको क्या करना है, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना और एंड तक देखना है। अगर गाइज आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे उसके बाद गाइज आप बिल्कुल आसानी के साथ अपने नाम से अपना आधार नंबर चेक कर सकते हैं। अपना आधार नंबर चेक करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर गाइज आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आएगी, थोड़ी भी हेल्पफुल लगेगी, एक लाइक करना यार बिल्कुल फ्री है। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि गाइज ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको रोज इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो चलिए गाइज वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। गाइज इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम में जाना होगा। गूगल क्रोम में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है uidai.gov.in। इसका लिंक मैं गाइज आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, वहां से जाके भी आप इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। ठीक, जैसे गाइज इसको ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ध्यान से देखना गाइज, जो मैं बताऊंगा बिल्कुल आपको सेम इस तरह से करना है, तभी आप अपने नाम से अपना आधार नंबर चेक कर सकते हैं। ठीक, क्या करना है, यहाँ से गाइज आपको इस तरह से थोड़ा थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पर गाइज आपको पहला वाला ऑप्शन मिलेगा गेट आधार, इसके साथ में गाइज आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लास्ट और फॉरगेट EID, तो क्या करना है सिंपली गाइज आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये दो ऑप्शन दिखाएगा, एक दिखाएगा कैंसिल, दूसरा दिखाएगा ओके, तो आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर ये बता रहा है सिलेक्ट 12 डिजिट आधार नंबर या 28 डिजिट इनरोलमेंट नंबर। अगर गाइज आप आधार नंबर पता करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आधार नंबर पे क्लिक करना है। अगर गाइज आप इनरोलमेंट ID जानना चाहते हैं, यानी गाइज अगर आप अपना इनरोलमेंट ID पता करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इनरोलमेंट ID पे क्लिक करना है। लेकिन गाइज मैं यहाँ पर आधार नंबर चेक करना चाहता हूँ, तो क्या करना है सिंपली यहाँ पर इस पर क्लिक करना है आधार नंबर पे। उसके बाद क्या करना है आपको नीचे आना है। यहाँ पर बता रहा है इंटर नेम, यहाँ पर गाइज आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद बता रहा है इंटर मोबाइल नंबर, यहाँ पर गाइज आपको अपना मोबाइल नंबर लगाना है या मोबाइल नंबर लगाना है, या यहाँ पर आपको इंटर ईमेल ID बता रहा है या यहाँ पर आपको अपना ईमेल ID लगाना है। ठीक, या मोबाइल नंबर या ईमेल ID। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक कैप्चा फिल करना है, जो यहाँ पर लिखा होगा आपको सेम यही लिखना है। उसके बाद सिंपली सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो गाइज यहाँ पर मैंने अपना नाम भी, मोबाइल नंबर भी और कैप्चा भी फिल किया। अब यहाँ पर मैं सिंपली सेंड OTP पे क्लिक करूंगा। तो गाइज जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर इंटर OTP में लगाना है। उसके बाद सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। तो गाइज जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे मैसेज भी आ गया। यहाँ पर बता रहा है योर आधार नंबर --- इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। यहाँ पर गाइज आपके मोबाइल नंबर पर आपका आधार नंबर सेंड करेंगे, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होगा उसी मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में आपका आधार नंबर होगा। देख सकते हैं गाइज यहाँ पर मैं आपको मैसेज दिखाऊंगा, तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पर मेरा आधार नंबर इन्होंने मैसेज किया, उसके बाद बता रहे इज योर आधार नंबर। ठीक, तो गाइज इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी के साथ अपने नाम से अपना आधार नंबर चेक कर सकते हैं कि हमारा आधार नंबर क्या है। तो बस गाइज इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर गाइज आपकी वीडियो पसंद आई, वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि गाइज ऐसी हेल्पफुल वीडियोज आपको रोज इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए गाइज मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।